पर आरक्षण समर्थकों के खिलाफ या इस वो हम लोग जो प्रोटेस्ट किए हैं 2 तारीख को उसके खिलाफ एकजुट होकर कोई आंदोलन करने वाले हैं। मैं चूंकि अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ का अध्यक्ष हूं और पूरे देश की सभी शाखाओं के साथ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आरक्षित वर्गों के साथ होने वाले किसी दुर्व्यवहार के साथ में पिछड़ा वर्ग महासंघ सदैव खड़ा होगा, पहली चीज। इसलिए आरक्षित वर्गों, चाहे वो पिछड़े वर्गों की बात हो, चाहे अनुसूचित जनजाति की बात हो, चाहे माइनॉरिटीज की बात हो, इन वर्गों के खिलाफ जब भी किसी तरह का कोई आह्वान होगा तो उसमें पिछड़े वर्गों के लोग किसी भी सूरत में भाग नहीं लेंगे। और ये जो मीडिया के लोग, ये सरकार के लोग, भाजपा के लोग और RSS के लोग जो षड्यंत्र फैलाए हुए हैं कि नहीं पिछड़े वर्गों को बरगलाने का काम करते हैं, अब वो बरगलाने वाले नहीं है। साथियों, पहले भी आप लोगों के साथ जो प्रयोग किया गया था, अनुसूचित जातियों का, जनजातियों का जो प्रोन्नतियों में आरक्षण खत्म किया गया, उसमें बहुत दिनों तक पिछड़े वर्गों के लोगों को बरगला कर अलग खड़ा किया गया था। बाद में तमाम पिछड़े वर्गों के लोग उनसे कंधा से कंधा मिलाकर आजाद आए। इसी तरह से पूरे देश के पिछड़े वर्ग के लोग अनुसूचित जात जनजाति के साथ कंधे से कंधा जुटाकर आपके समर्थन में पूरे देश में काम कर रहे हैं। इसलिए इस मुगालते में कोई न रहे कि कोई पिछड़े वर्गों के लोग ऐसा करने वाले हैं। यह मीडिया की साजिश है और सरकार और उनके RSS के और BJP के लोगों की साजिश है कि इस तरह के बयान अखबारों में दिला रहे हैं। मैं इसी के साथ सभी लोगों का आह्वान करता हूँ कि साथियों, आने वाले दिनों में यह प्रोटेस्ट जहाँ जहाँ होगा, जिस रूप में होगा, वहाँ पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग के लोग सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। साथियों, धन्यवाद। इसी बात